नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस समय मौजूद है हम अलवर की कृषि उपज मंडी में। आज हम मंडी के अंदर चने की जानकारी लेने के लिए आए हैं। लगातार चने की पहले एक महीने पहले लगातार आवक 3000 कट्टे की थी, लेकिन आज मंडी में आवक मात्र 300 कट्टे की रह चुकी है, क्योंकि मंडी में आवक कम होने का सबसे बड़ा कारण पैदावार है। क्योंकि चने की पैदावार कम होने के चलते मंडी में चना नहीं पहुंच पा रहा है, और साथ में जो यहाँ के जो भाव हैं वो भी चने के बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के व्यापारी सूरज जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि आज मंडी के अंदर चने की कितनी आवक है और चने के क्या भाव हैं। सबसे पहले तो सूरज जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में स्वागत है। नमस्ते भैया। आज चने की कितनी आवक है, क्या भाव है? चने की आमद तो काफी कम हो चुकी है। इस टाइम चने 350 कट्टे के लगभग आ रहे हैं। पहले 3,3200 कट्टे आ रहे थे। चने के बाजार आज 6100 रुपए अलवर है, लूज मंडी लूज, और कल ये 6200 रुपए थे। आज 100 रुपए का थोड़ा डाउन है। दिल्ली बाजार भाव कम होने के कारण आज 100 रुपए की कमी आई है, और आगे आने वाले टाइम में चने में एक तरफा तेजी की लाइन लगती है मुझे तो, क्योंकि उत्पादन इस साल कम से कम 30-40% कम है। क्या कारण मानते हैं कि उत्पादन का पैदावार कम क्यों है? पैदावार लोगों का चने के प्रति 2-3 साल से रुझान की गवर्नमेंट काफी नीचे, गवर्नमेंट रेट से भी काफी नीचे मार्केट में चने बिक रहे थे, इसलिए लोगों ने बिजाई काफी कम की है, इसलिए भी कम पैदावार है इस साल। एक महीने पहले की अगर अपन बात करें तो चने की जो है कितनी बोरियां आ रही थी और क्या भाव था एक महीने पहले? एक महीने चने की लगभग 3000 से 3200-3300 कट्टे आ रहे थे। अब किसानों भी माल रोका हुआ है, कुछ गर्मी के कारण भी, कुछ ब्यासादी भी है इसलिए भी, और कुछ पैदावार ही कम है इस साल। अब जैसे कि अपन बात करें तो किसानों ने, आप कह रहे हैं कि किसानों ने माल रोका हुआ है, तो क्या कारण मानते हैं कि किसानों ने माल क्यों रोका है? किसानों ने इसलिए रोका है कि इस साल उत्पादन कम है, मतलब प्रोडक्शन नहीं है, तो 40% के लगभग कम उत्पादन है, तो किसान लोग भी चाहते हैं कि भाव अच्छा मिले। काफी साल से चने पिटे हुए हैं। क्वालिटी की अगर बात की जाए तो किस तरह की क्वालिटी चने की? क्वालिटी तो इस साल सब चीजों की काफी बेटर आ रही है, चने हो चाहे जो हो चाहे सरसों हो, सबकी बढ़िया क्वालिटी इस बार। तो यहाँ से जो चना आ रहा है वो कौन कौन सी जगह से आ रहा है? चने तो राजस्थान में सब जगह से आ रहा है। अलवर डिस्ट्रिक्ट तो वैसे भी काफी स्टॉकिस्ट की मंडी है, तो चने तो राजस्थान के सभी जगह से आ रहा है। तो अभी मंडी के अंदर व्यापारी हो या मिलर हो तो चने का कोई स्टॉक भी किया हुआ है क्या? लगभग 80% चने स्टॉक में ही जा रहे हैं। तो स्टॉक करने का कारण क्या मानते हैं? स्टॉक, लोगों का रुझान तेजी का है, एक तरफा तेजी लगती है चने में, उत्पादन काफी कम होने के कारण लोग तेजी में ही है साल। तो आपको क्या लगता है कि आगामी दिनों में कितनी तेजी आने वाली है चने में? आगामी दिनों में अलवर में 7000 चना बिक सकता है। अच्छा जी। तो अभी जैसे कि यहाँ से कौन कौन सी मिलों में चना जा रहा है? यहाँ पे 2-3 मिल है, जेपी इंडस्ट्रीज है सबसे बड़ी, उसके बाद और भी कई मिलें हैं जिनमें चना जा रहा है, दाल बन रही है, काफी बात जा रही हैं। तो जब चने की पैदावार कम है और चने के जो भाव हैं वो ज्यादा हैं, तो दालों में भी क्या बोलते हैं कोई बढ़ोतरी कुछ नजर आ रही है भाव में? सर देखो, दालों में तो चने की दाल की सारी चीजें बनती है, कुछ सावे भी चल रहे हैं इस टाइम, तो चने की दाल की डिमांड रहती है। अलवर में अडानी जैसी बड़ी मिल लग गई तो चने की दाल के सबसे बड़ा कंजप्शन उसी का है। तो लगभग मंडी के अंदर प्रतिदिन कितना चना आ जाता है, और आगे अभी पूरे उसकी बात करी की जाए अपन साल भर में, तो कितना चने की आवक रही है वैसे? चने तो देखो सर, काफी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन अब इस बार काफी कम मात्रा में चना आ रहा है। लोग जो भी चना आ रहा है वो भी स्टॉक में जा रहा है, मिलर्स भी ले रहे हैं। तो अभी MSP की बात की जाए, चना कोई MSP में भी बिक रहा है क्या? चने MSP से काफी ऊंचे होने के कारण चने गवर्नमेंट को नहीं तुल रहे हैं। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं? MSP से ऊंचे भाव में मंडी मार्केट में बिक रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट को तोलना नहीं चाहता किसान। अच्छा, तो अगर किसान अगर नहीं तोलना चाहता तो क्या फायदा मिलता है? व्यापारी के यहाँ देता है और वहाँ नहीं तोलना चाहता तो क्या फायदा मिलता है किसान? सर देखो, किसान चाहता है कि जहाँ भी ऊंचा दाम मिले वो उसी को बेचना चाहेगा, और किसानों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मंडियों में काफी अच्छी सुविधा मिलती है, आढ़तीय के द्वारा कैश पेमेंट मिल जाता है, उनको कोई परेशानी नहीं होती। और गवर्नमेंट में तो
गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा सब कुछ क्वालिटी चेक होते हैं, तो उसके माध्यम से दिक्कत ही रहती है किसानों को। अगर अपन बात की जाए तो किसानों को, तो किसानों को कितनी बचत हो पाती है चने में? सर देखो ये तो मुझे मालूम नहीं है चने में कितनी बचत हो पाती है, तो किसान ज्यादा बेटर बता पाएगा अपन लोगों को कितना पैदावार होती है। लेकिन किसान को मिल रहा है उसका पूरा? देखो सर किसान को तो गवर्नमेंट के हिसाब से रेट काफी ठीक है वैसे तो, लेकिन चने की पैदावार में ऐसा है कि प्रोडक्शन कम होता है तो किसान को काफी दिक्कतें आती हैं। अगर अपन सरकार की बात की जाए तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं चने को लेकर? हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा हस्तक्षेप ना करे, जो भी किसान को उचित रेट में मार्केट में माल बिकना चाहिए वो बिकना चाहिए। ये बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि ये 5600 में बिके या 7000 बिके, किसान को जो भी ऊंचे से ऊंचे रेट में माल बिकना चाहिए वो बिकना चाहिए। ये हमारे साथ में सूरज जी जो यहाँ के व्यापारी थे उन्होंने हमको बताया कि चने की फिलहाल मंडी में आवक कम है, क्योंकि एक महीने पहले 3000 कट्टों की आवक मंडी में जो थी वो अब मात्र 300 पर आ चुकी है। क्योंकि कारण इसका सबसे बड़ा यह है कि पैदावार जो है वो कम हो पा रही है, और जो काश्तकार है वो भी कहीं ना कहीं जो मंडी के अंदर चना लेकर नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आगामी दिनों में जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चने में तेजी आने की पूरी पूरी उम्मीद नजर आ रही है। नितिन शर्मा, अलवर।